महाराष्ट्र के पंडरपुर में श्री कृष्ण को समर्पित एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जहां पर श्री कृष्ण रूप में विट्ठल और माता रुक्मणी की पूजा होती है। आषाढ़ माह में देश भर से कृष्ण भक्त पुंडलिक के वारकरी संप्रदाय और श्री कृष्ण भक्त के लोग दूर दूर से पताका डिंडी लेकर देवशयनी एकादशी के दिन यहाँ पहुँचते हैं और तब यहाँ महापूजा होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण हाथ कमर पर बांध कर खड़े हैं। ऐसा क्यों और क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को विट्ठल, आइए जानते हैं। 6वीं सदी में संत पुंडलिक हुए, जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। माता पिता के भक्त होने के पीछे एक लंबी कथा है। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अपने इष्ट देव की भक्ति छोड़कर माता पिता को भी घर से निकाल दिया था, परंतु बाद में उन्हें घोर पछतावा हुआ और माता पिता की भक्ति में वह लीन हो गए। साथ ही वह श्री कृष्ण की भी भक्ति करने लगे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे। पिता का सिर उनकी गोद में था और उनकी यानी कि पुंडलिक की पीठ द्वार की ओर थी। पुंडलिक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातः काल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वह पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ धरकर और पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया और उनका यही स्वरूप लोकप्रिय होता चला गया। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। ईंट को महाराष्ट्र में वीट या विट्ठो कहा जाता है। अपने पिता की नींद खुलने के बाद भक्त पुंडलिक द्वार की ओर देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विट्ठल रूप को ही अपने घर में विराजमान किया। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंडरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां दूर दूर से भक्त हरि नाम का संकीर्तन करते हुए पंडरपुर आते हैं। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना की याद में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री विट्ठल जय श्री हरि। Yeah.